एक बार पिता पुत्र कहीं जा रहे थे और इतने में जाते जाते पिता ने पुत्र को उपदेश दिया कि बेटा जो वस्तु दूसरों का हो उसको कभी लेना नहीं है, क्योंकि दूसरों का चीज अगर कभी हम लेते हैं तो हमको पाप लगता है, भले ही वो ना देखे, भगवान तो देख रहे हैं। इसलिए कभी भी दूसरों के खेत से कुछ चोरी करना नहीं चाहिए। पिता ने बेटा को उपदेश दिया। दुनिया के हर पिता अपने पुत्र को अच्छा ही ज्ञान देता है, अच्छा ही संस्कार देता है। और जैसे बेटा ने सुना, पिताजी ठीक है अगर आपने कहा है तो मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। तो जाते जाते पिता पुत्र थोड़ा आगे गए, पिता को भूख लग रही है, किसी के खेत से गुजर रहे थे और किसी दूसरों के खेत पर अच्छा सा फल लगा हुआ था। और जैसे पिता ने फल को देखा, बेटा को बोले कि बेटा तुम थोड़ा यहाँ पर खड़े हो जाओ, हम जाकर के फल तोड़ के लाते हैं। और मैं तोड़ने गया, कोई आता है तो तुम कह देना कि पिताजी, बस इतना आवाज लगा। पुत्र बोला ठीक है आप जाइए। पिता गया, फल तोड़ने लगा और थोड़ी देर बाद जैसे वो फल के निकट ही पहुंचा पिता, पुत्र बोला कि पिताजी, जोर से चिल्लाया। पिता ने कहा क्यों, कोई देख रहा है क्या, कोई आया है क्या? तब बेटा कहता है कि पिताजी भगवान देख रहे हैं। देखिए, एक बालक को जो समझाया जाता है उसको समझ में आ जाता है, लेकिन उपदेश देने वाला स्वयं भूल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भले ही हमको कोई ना देख रहा हो, भगवान अवश्य देख रहे हैं। आप चोरी करने लगे हैं, आप कुछ गलत काम करने लगे हैं, तो उस समय एक बार जरूर विचार करिएगा कि हमको भले ही इंसान ना देखे, हम लोग चेक करते कोई आ तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, कोई कैमरा तो नहीं लगा, इधर उधर देखे सब सही है तो हम अपना काम करके निकल लेते हैं, लेकिन ये गलत है। भले ही कैमरा के नजर से आप बच जाओ, इंसान के नजर से बच जाओ, भगवान के नजर से बचने वाले नहीं है। इसलिए कभी भी जीवन में गलत काम मत करिएगा, प्यार से बोलो। अब जैसे विदुर जी ने समझाया देवी, वो तो हर जगह नजर रखने वाले हैं, भगवान हमको अवश्य देखेंगे। भले ही हम भगवान को ना देखें, प्रभु हमको अवश्य देखेंगे। विदुर जी महाराज ने अपनी पत्नी को समझाया, जैसे हस्तिनापुर में भगवान का आगमन हुआ, रथ में बैठ करके प्रभु आ रहे हैं, लोग प्रभु के दर्शन के लिए गए हैं, सब भगवान को देख रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, सुमन बरसा रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं। इतने में विदुर जी महाराज दूर से देखते हैं। विदुरानी ने दूर से देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान ने अपने भक्तों को देखा है और दोनों भक्तों ने प्रभु को देखा। देखने के बाद नजर वहां से हटाने। अगर हम भगवान के प्रिय भक्त हैं तो भगवान हरदम हमको देखते हैं, हमारे ऊपर से कभी भी भगवान नजर नहीं हटाते।